बिल्कुल सोहेल भाई, देखें जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें आपको अपनी बैटिंग में चेंजेस लाने पड़ते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। तो मैं काफ़ी टाइम से, एक चीज़ मेरी जो अच्छी थी वो मैंने ये किया कि मैंने रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, तीनों फॉर्मेट्स खेली और रेगुलर खेली, और मैं यही कोशिश करता रहा कि जितनी जहाँ पर भी मुझे क्रिकेट मिले मैं अपनी परफॉर्मेंस करता रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो SPL थी, सिंध प्रीमियर लीग, ये मेरी ज़बरदस्त गई, जिसका आई थिंक मुझे ये रिवॉर्ड भी मिला, मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया। आप बैट्समैन बड़ा अच्छा हिस्सा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, और आप वो कोच हैं, तो इससे आप समझते हो कि उनसे सीखने का भी, या मॉडर्न डे क्रिकेट को जानते हैं? बिल्कुल, वो ऑलरेडी हम लोगों से, जितने भी बैट्समैन हैं उन सब से वो आके डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली पावर हिटिंग, जिस तरह की उनकी अपनी गेम थी, तो वो काफ़ी अच्छी हमें, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, जिस पे हम लोग अपने नेट सेशंस में, आज हमारा प्रैक्टिस मैच था, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। फटक जी, उमर रोसो के बारे में बताइए, नए कप्तान हैं, उनके साथ टीम कैसे जले पोरी, क्योंकि सरफराज के साथ तो जाहिर सी बात है आप लोग एक अच्छे से काम कर रहे थे, तो रोसो कैसा मैदान में आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं? रायली भी देखें, मैं इसके साथ पहले भी इधर रहा हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स में PSL 2 में, और बड़े जॉली कैरेक्टर हैं, बड़े ईजी गोइंग हैं, सारे लड़कों को साथ लेकर चलने वाले हैं, और क्वेटा के हमारे माहौल में वो बड़े आराम से एडजस्ट भी हो चुके हुए हैं, क्योंकि पहले वो इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं 2 साल। तो आई थिंक ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं, ज़बरदस्त हम लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों से बात करते रहते हैं, जिसके इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी ग्राउंड में नज़र आएंगे। उमर, अपना बॉलिंग कम्बिनेशन कैसा देखते हैं क्वेटा का? मोहम्मद आमिर आपके साथ आए हैं, पहले कराची किंग्स का हिस्सा थे, कितना प्लस होगा आपके लिए उनका टीम में आना, और ओवरऑल बॉलिंग का कैसे आप रेट करते हैं? ओवरऑल अगर आप सारे स्क्वाड्स देखें, तो आज ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ऑफ कोर्स आमिर के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, आपको नज़र आएगा, स्पेशली विद द न्यू बॉल, डेथ ओवर्स, मिडल में अगर कभी विकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तीनों एस्पेक्ट्स को वो कवर करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमारी बॉलिंग, अगर आप सारे स्क्वाड्स देखें, तो जितनी स्ट्रॉन्ग क्वेटा की इस टाइम इस PSL में बॉलिंग है, आई थिंक किसी भी और टीम की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं, लोकल बॉलर्स हैं सारे, वो पांच इंटरनेशनल, पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। तो आई थिंक जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इसमें PSL 9 में हमारा जो स्क्वाड है, बॉलिंग स्क्वाड, इतना स्ट्रॉन्ग किसी भी टीम का नहीं है। बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी है, बैटिंग के बारे में बता दें। बैटिंग भी बिल्कुल इक्वली गुड है, ऐसे नहीं कि मैं बैटिंग को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग की मैंने बात इस वजह से की थी क्योंकि वो सवाल ही बॉलिंग का हुआ था, लेकिन अगर आप बैटिंग की भी बात करें तो हर एंगल से पावर हाउस भी है हमारे पास, एंकर रोल प्ले करने वाले भी हैं, मॉडर्न डे मतलब जो भी हिटिंग अगर हमें चाहिए, ऊपर से दायरा लूटने वाले, हर एस्पेक्ट हमारा कवर्ड है। जी बिल्कुल, वो स्पेशली आमिर के आने से वो सिर्फ ये चीज़ नहीं कवर होती, वो एज अ बैटर, क्योंकि वो बॉलर है, इतना स्मार्ट और क्लेवर बॉलर है कि वो आपको बैटिंग के बारे में भी कभी कभी ऐसी कोई ना कोई बात, आप उससे जब आप बात करो क्रिकेट की, तो वो ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर कर देता है जिससे आपको फ़ायदा होता है। तो मेरी तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती रहती हैं, स्पेशली क्रिकेट पे। तो ओवरऑल आपको नज़र आएगा इस PSL 9 में कि हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंशाल्लाह पॉजिटिव और अच्छे नोट पे इंशाल्लाह हम लोग फिनिश करेंगे इसको। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि 2019 में टाइटल जीतने के बाद क्वेटा की टीम काफ़ी नीचे की तरफ नजर आई, खास करके लास्ट 2 सीज़न थे, उसके बाद कोई प्रेशर है क्वेटा के ऊपर, जो टीम मैनेजमेंट और जो कप्तान भी उन्होंने बदला है, तो कोई इस चीज़ का प्रेशर है अभी एटमॉस्फेयर? देखें, मेरे ख्याल से जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है किसी टीम की, तो आई थिंक इससे बुरा तो हो नहीं सकता, तो फिर मेरे ख्याल से कोई प्रेशर आपके ऊपर रहता नहीं है, क्योंकि जितना आपने गंदा करना था वो सब बुरा हो चुका है, प्लस वो पास्ट में था, नया सीज़न है, नई टीम है, नया कॉम्बिनेशन है, तो इंशाल्लाह उम्मीद भी अच्छे की है कि अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे और अच्छा आपको नज़र आएगा टीम। चलिए जी, आप कर लें। उमर, PSL एक ऐसी लीग है जिसके बारे में समझा जाता है कि जो प्लेयर यहाँ परफॉर्म करते हैं उनके लिए आगे क्रिकेट के दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो नेशनल टीम हो या बाकी क्रिकेट हो, तो इस PSL में आपने अपना टारगेट क्या रखा हुआ है? देखें जी, मेरा टारगेट तो यही है कि मैं जब जहाँ पे भी मौका मिले, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में, जिस भी नंबर पे खिलाएं, जहाँ पे भी टीम को ज़रूरत हो, मैं तो यही सोच के आया हूँ, बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ आया हूँ इस दफ़ा PSL में, कि जहाँ पे भी मौका मिलेगा, जिस तरह SPL में मोइन भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, एक क्लियर रोल दिया हुआ था जिसका मैंने डिलीवर किया, रिजल्ट नज़र आए, तो PSL में भी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उसी तरीके से अपनी गेम को, अपने आप को अप्लाई करूँगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है, करना तो अल्लाह ताला नहीं होता है, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हो, साफ नियत करके एफर्ट कर सकते हो, वो मैं पूरी करूंगा, इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे अच्छे रिजल्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सर।